तो दोस्तों जेएसएससी ने अभी हाल फिलहाल में 1-2 घंटा पहले जारी किया है। 2017 में जो एग्ज़ाम लिया था 12th लेवल पे था एग्ज़ाम, और पद का नाम था इंटरमीडिएट स्तर कंप्यूटर ज्ञान एवं कंप्यूटर में हिंदी टंकक अर्हता धारक पद हेतु। ठीक है, उनकी जो परीक्षा हुई थी 2017 में, उनका रिजल्ट आ चुका है और कटअप भी आ चुका है। अभी हम लोग पूरा का पूरा रिजल्ट आपको दिखाएंगे। रिजल्ट चेक करने के लिए मैं पीडीएफ दूंगा, पीडीएफ को आपको डाउनलोड करना है। ये पीडीएफ टोटल 85 पेज का पीडीएफ है, ठीक है। और आपको यहाँ से आप सर्च कर लीजिएगा, ये देखना सर्च वाले बटन, यहाँ पर अपना रोल नंबर डालिएगा चाहे अपना नाम, और यहाँ पर जैसे ही डालेंगे आपका नाम आ जाएगा अगर आप इसमें आए हैं तो। अब देख लीजिए बोला क्या गया है, इसको ध्यान से सुनिएगा। माननीय सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट दिल्ली द्वारा सिविल अपील संख्या 4039/2022 एवं सिविल अपील संख्या 4044/2022 से संबंधित अवमानना वाद संख्या 612/2022 में दिनांक 15/12 यानी कि 15 दिसंबर 2022 को पारित आदेश के अनुपालन के क्रम में प्रथम एवं द्वितीय चरण के कौशल यानी कि स्किल जांच परीक्षा के बाद उसके फलस्वरूप, ठीक है, झारखंड कर्मचारी चयन आयोग यानी कि जेएसएससी की विज्ञापन संख्या 2017 जनवरी 2017 में जो विज्ञापन निकाला गया था, ठीक है, जनवरी फरवरी में, उसकी जो है फाइनल प्रकाशित इंटरमीडिएट स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2017 के अंतर्गत पंचायत सचिव का पद आंशिक परीक्षाफल निम्नवत प्रकाशित किया जाता है। तो पंचायत सचिव के जितने भी पोस्ट थे वो सभी यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। पंचायत सचिव के पद पे जो भी आदमी सिलेक्टेड है, यहाँ पे अपना नाम सर्च करेंगे या फिर अपना रोल नंबर, ज़्यादा अच्छा होगा कि अपना रोल नंबर यहाँ से सर्च मारिएगा। अगर आपका रोल नंबर है तो आ जाएगा अपने पीले पीले कलर में, ठीक है। यहाँ पर आपको टोटल 83 पेज का पीडीएफ दे रहा है, झारखंड के 24 जिलों मैं दिखा दे रहा हूँ यहाँ पर, मतलब टोटल इस तरह से आपका 83, 84, 85 पेज का पीडीएफ है, और 2 पेज में अंतिम में ऐड किया हूँ जो कि कटअप दिखाएगा कि कितना कटअप गया है। तो चलिए हम आपको कटअप दिखाते हैं, ठीक है, क्योंकि मैं केवल काम के ही बातें बताऊँगा यार, फालतू में वीडियो में उलझा के नहीं रखूँगा कि ये जो काम की बात है वही बताता हूँ, ठीक है। तो देखिए ये पेज नंबर 85 आ गए हैं अंतिम, और यहाँ तक आपके जो है ये कैंडिडेट सेलेक्टेड हैं। अब देखिए लंबित 3 कैंडिडेट को लंबित किया गया है, उनका यहाँ पे देख लीजिए रोल नंबर और नाम है, ठीक है। और यहाँ पे बोला गया है कि उपयुक्त तालिका में अंकित अभ्यर्थियों का रिक्ति सहित परीक्षा फल वांछित प्रमाण पत्र के अभाव में लंबित रखा गया है, ठीक है। इनके जो है डॉक्यूमेंट्स सबमिट नहीं हुए हैं, इनको कॉन्टेक्ट करना होगा जाके जेएसएससी में, तो इनका भी काम हो जाएगा, ठीक है। क्या बोला गया है कि प्रमाण पत्र के अभाव में यानी कि इनके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं था, वो डॉक्यूमेंट के कारण लंबित रखा गया है। अगर ये समय पूर्वक डॉक्यूमेंट्स जमा कर देते हैं तो इनका जो है काम हो जाएगा। अब देख लेते हैं तो पंचायत सचिव के पद पे जितने भी लोग एग्जाम दिए थे उनका कटअप क्या गया है, किस कैटेगरी में, जनरल ओबीसी एसटी एससी, वो चीज़ यहाँ पर पता चल जाएगा। तो देखिए पंचायत सचिव ग्रामीण विकास विभाग पुरुष में यहाँ पर देखिएगा कटअप, तो यहाँ पर जनरल में कटअप गया है। अंतिम चयन यहाँ पे देख लीजिए, ये इनका डेट ऑफ बर्थ है, ये इनका अभ्यर्थी का प्राप्तांक है, यहाँ पे देख लीजिएगा, ठीक है। तो जितने भी लोग हैं उनको यहाँ पे मिल जाएगा, क्षैतिज हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन में इधर देख लीजिएगा, और इधर पॉइंट वाइज देख लीजिएगा अपना अभ्यर्थी द्वारा चयनित अभ्यर्थी का प्राप्तांक यहाँ पर दिया गया है 656.14, इधर देख लीजिएगा 654, सब इस तरह से आपको पता चल जाएगा। और यहाँ पे पंचायत सचिव ग्रामीण विकास महिला के लिए देख लीजिएगा, ठीक है, पंचायत सचिव ग्रामीण विकास महिला अंतिम चयन अभ्यर्थी की जन्मतिथि यहाँ पे दिया गया है, और यहाँ पे अंतिम चयनित अभ्यर्थी का प्राप्तांक दिया गया है, ठीक है, यहाँ पे दिया गया है इस तरह से, फिर इधर हॉरिजॉन्टल का दिया गया है। तो इस तरह से टोटल चीज़ आपको यहाँ पे चेक कर सकते हैं। बाकी पीडीएफ का लिंक मैं वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दे ही रहा हूँ, वहाँ से डाउनलोड करके आप किसी का भी नाम हो या फिर रोल नंबर के थ्रू आप चेक कर सकते हैं, आपका डिस्ट्रिक्ट वगैरह सारा कुछ मैच कर जाएगा, तो आप आश्वस्त हो जाएं कि यह मेरा ही नाम है, मैं नौकरी के लायक हो गया हूँ। अब देखिए 4 साल 5 साल लगा देता है यार एक एग्ज़ाम में, ऐसे में कैसे चलेगा झारखंड, ठीक है। बाकी जो भी है आप लोग सब जानते हैं क्या हाल है झारखंड का। मिलते हैं अगले वीडियो में, जो भी कोई अपडेट होगा, प्राइवेट न्यूज़ हो या फिर गवर्नमेंट न्यूज़ हो वैकेंसी की, मैं आपको हर एक चीज़ अवेलेबल करा देता हूँ चैनल पर।
तो अगर आपका कोई दोस्त भाई बंधु बहन जो भी हो प्लीज उन तक वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि सब तक न्यूज जानकारी पहुंच पाए। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड, जोहार।